धीरे धीरे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आज कौन इनके खिलाफ बोल रहा है? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी, उसके पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी। अगर वो उससे भी नहीं मानेगा तो उसके ऊपर गोली चलवाया जाएगा। किसान जो है डंडे और झंडे के साथ गाँवों में इनका स्वागत कर रहा है, जा रहे हैं वोट मांगने बीजेपी प्रत्याशी, और दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, सूते जा रहे हैं। आप बताइए ना, इनका इतना 400 पार है, जनता क्यों नाराज है भाई? लोग दौड़ा दौड़ा कर गुजरात में इनके नेताओं को पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, तो ये जनता के अंदर आक्रोश अब पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा चुनावी घोटाला होने जा रहा है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक घोटाला होने जा रहा है। आप वोट तो दोगे किसी और को, लेकिन वोट किसी और पार्टी को जाएगा। तो नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस का घमंड दिखा रहा है, वो मद में इतने चूर हो चुके हैं, इतना अहंकार मोदी जी के अंदर भर चुका है कि उनको अब ये लग रहा है कि यही भगवान है। लेकिन लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वही भगवान बन चुके हैं। और जब जब आप तानाशाही करोगे, जब जब तानाशाहों को ये लगता है कि वो ही भगवान है, तब तब इस सृष्टि में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और ऐसे पाखंडी तानाशाहों का संहार करते हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जहां भारत देश को लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि जो भारत देश है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। अभी कुछ ही समय पहले ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी जहां उन्होंने बोला कि जो भारत देश है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल त्रिपाठी जी। सर, क्या कहेंगे इस चीज़ पे, क्या जो हमारा देश है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान जो है वो पूर्ण रूप से तानाशाही की बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, और देश में अब लोकतंत्र नाम की चिड़िया नहीं रह गई है। आप इस बात को समझिए, जब दुनिया का फ्रीडम इंडेक्स कहता है कि दैट इंडिया हैज़ बिकम अ पार्शली डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप इस बात को समझिए कि आज दुनिया हमें इस नज़रिए से देख रही है कि पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि भारत में भी चाइना की तरह वन पार्टी वन रूलर का सिस्टम तैयार हो रहा है। और आज आप देखिए ना कि किस तरीके से आपातकाल का माहौल है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच में हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि द कंट्री इज़ विटनेसिंग ए जनरल असेंबली इलेक्शंस? आप बताइए, क्या लग रहा है माहौल से कि आज देश में जो है वो जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं या प्रधानमंत्री का चुनाव? प्रसार तो करा जा रहा है ना, आप देखिए। नहीं, ये मेरी बहन, ये तूफान से पहले की शांति है, और इस देश को अब सिर्फ क्रांति बचा सकती है। अगर तानाशाही होता या डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा होता तो आपको या मेरे को बोलने की आज़ादी नहीं होती? आपको नोटिस नहीं आया? अभी तमाम ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनके ऊपर नोटिस भेज दिया कि भाई आपको चैनल को बंद कर दिया जाएगा, अब आप जो है खबरें नहीं चला सकते, आप जो है नरेंद्र मोदी की वाहवाही करोगे तभी आपका चैनल चलेगा, नहीं तो आपके चैनल को नोटिस आ जाएगा, कुछ दिन बाद स्ट्राइक पड़ जाएगी, आपका चैनल जो है यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप फर्जी खबरें दिखाएंगे तो बंद ही करेंगे ना चैनल? नहीं, नेशनल दस्तक जैसे चैनल फर्जी हैं, बोलता हिंदुस्तान फर्जी है, आप मेरी बहन बताइए ना, आर्टिकल 19 फर्जी है, आपका चैनल फर्जी है, आप जो है सड़कों पर घूम रही हो, मेहनत कर रही हो, लोगों के बयान ले रही हो, आप सच्चाई दिखा रही हो, ईमानदारी दिखा रही हो, तो आप फर्जी हो। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, ओनली मिस्टर मोदी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री, बाकी कोई मीडिया, और जो ये गोदी मीडिया है ये देश की सबसे ईमानदार मीडिया है। अरे शर्म और कलंक से डूब मरना चाहिए इस देश की सरकारों को कि आज किस तरीके से, आज आप बताइए ना, मीडिया इंडेक्स में दुनिया में 160वें स्थान है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आप देखिए, धीरे धीरे लोकतंत्र
का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आज कौन इनके खिलाफ बोल रहा है? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी, उसके पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी। अगर वो उससे भी नहीं मानेगा तो उसके ऊपर गोली चलवाया जाएगा। जहाँ तक देखा जाए ईडी सीबीआई जितना स्वतंत्र रूप से अभी इन 10 सालों में काम कर रहा है, पहले नहीं किया करती थी। नहीं नहीं, आप बताइए ना कि कब नहीं किया करती थी। बहुत से इस देश में ऐसे वाकये हुए जिसमें कन्वेक्शन रेट क्या है ईडी का, आज 94% मामले जो है उनमें फैसला ही नहीं होता है। ये इतना कार्यवाही करते हैं, शराब घोटाला, आज तक एक संपत्ति अटैच नहीं कर पाए, पैसा रुपया बरामद। अरे भाई, जब शराब घोटाला हुआ तो पैसा बरामद कहाँ हुआ? ना पैसा बरामद हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई। आप ईडी के बयानों के आधार पर किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जो है जेल में डाल देते हो। पर हाई कोर्ट ने तो बोल दिया है ना कि जमानत नहीं मिलेगी केजरीवाल को। ये तो नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस का घमंड दिखा रहा है। उनका वो मद में इतने चूर हो चुके हैं, इतना अहंकार मोदी जी के अंदर भर चुका है कि उनको अब ये लग रहा है कि यही भगवान है। लेकिन लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वही भगवान बन चुके हैं, जनता ने ही तो बनाया है। जब जब तानाशाहों को ये लगता है कि वो ही भगवान है, तब तब इस सृष्टि में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और ऐसे पाखंडी तानाशाहों का संहार करते हैं। और आप देखेंगी मेरी बहन कि इस देश की जनता जागेगी। आज आप देखिए ना गांवों में, आज जो किसानों की ये अनदेखी कर रहे थे, आज वो किसान जो है डंडे और झंडे के साथ गांवों में इनका स्वागत कर रहा है। आज जा रहे हैं ये वोट मांगने बीजेपी प्रत्याशी, और दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, सूते जा रहे हैं। आप बताइए ना, इनका इतना 400 पार है तो जनता क्यों नाराज है भाई? आप देखिए, हरियाणा के 21 गांवों ने बोर्ड लगा दिया कि भाजपा की एंट्री हमारे गांव में नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके नेताओं को, संजीव बालियान जो इनके नेता हैं, उनको गांव से खदेड़ा जा रहा है। उनके ऊपर जो है लोग दौड़ा दौड़ा कर गुजरात में इनके नेताओं को पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। तो ये जनता के अंदर आक्रोश अब पैदा हो रहा है। और जब जब आप तानाशाही करोगे, जब जब ये मन की बात करते हैं, अरे जनता की दिल की बात करो यार, या आप मन की बात थोप रहे हो जनता के ऊपर। यू आर फोर्सिंग पीपल टू फॉलो यू, पीपल आर नॉट फॉलोइंग मिस्टर नरेंद्र मोदी, यू आर फोर्सफुली ट्राइंग टू मेक पीपल फॉलो। नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोवर्स नहीं होते उनके। सब बॉट हैं, आप देखिए जाके ना, सब बॉट है। ट्विटर पे इनके फॉलोअर बॉट हैं। आप जब इनका नरेंद्र मोदी का फॉलोअर में जाइए तो उसमें देखिए कि कितने फॉलोअर्स हैं, कि क्या है ये बॉट है कि क्या है। आज जो 4,332 रुपया हर मिनट खर्चा हो रहा है, वो किस लिए खर्चा हो रहा है? वो नरेंद्र मोदी का चरित्र चमकाने के लिए हो रहा है। ये जो अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप पे आप नूरानी चेहरा देखती हो, हंसता हुआ मुस्कुराता नूरानी चेहरा नरेंद्र मोदी का, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार का पैसा है, ये हिंडनबर्ग के भ्रष्टाचार का पैसा है, ये अडानी का पैसा है। नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। आज सच्चाई ये है मेरी बहन कि आज तो लोग दवा डॉक्टर के पास इस देश की जनता जाती है, और जब डॉक्टर दवा लिखता है तो आज दवा नहीं खरीद सकती है इस देश की जनता। इस देश की जनता अपने बच्चों का फीस नहीं भर सकती है। आज लोग जा करके प्राइवेट स्कूल में लाइन लगा करके अभिभावक अपने बच्चों के लड़ रहे हैं स्कूलों से कि इतना फीस बढ़ा दिया। आज लोग घर में दो वक्त की रोटी नहीं चल रही है, जनता दाल नहीं खा रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है लोगों का, इस कदर महंगाई बढ़ा दी। लोग त्रस्त हैं, मतलब कह रहे हैं कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सच्चाई ये है कि सिलसिलेवार ढंग से इस देश को लूटा जा रहा है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आने वाले समय में सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है मेरी बहन। जनहित के माध्यम से मैं
जनहित के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि इन चुनावों में आने वाले समय में सबसे बड़ा चुनावी घोटाला होने जा रहा है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक घोटाला होने जा रहा है। कैसे? आप वोट तो दोगे किसी और को, लेकिन वोट किसी और पार्टी को जाएगा। और इस देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार जब आप वोट देना तो ये देखना कि आप वोट दोगे किसी और पार्टी को, लेकिन आपका वोट जाएगा किसी और पार्टी को। और इस बार जनता देखेगी कि लोकतंत्र की हत्या क्या होती है और किस तरीके से इस देश में चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नेशनल मीडिया दिखा रही है कितनी भरपूर जनता है वहाँ पे, जनसैलाब है। नहीं, कहाँ जनसैलाब है, एक गाजियाबाद में प्रधानमंत्री जाते हैं, आप बताइए। इतना तो एक पार्षद के रैली में भीड़ आता है जितना प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ आ रहा है। ये जाते हैं हरियाणा में, प्रधानमंत्री इनके राष्ट्रीय नेता मंच पर बैठे रहते हैं और मंच से कहते हैं कि पीछे की कुर्सियों के तरफ जो है जनता जा कर के बैठे, क्योंकि पीछे की कुर्सियाँ ही नहीं भर रही। तो आज देश में एक अंडर करंट है भाजपा के खिलाफ, इनकी कुरीतियों के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनकी इनकी दोयम दर्जा की जो इन्होंने नीति लाई है। आज तो युवा रो रहा है मैम, कराह रहा है। आप बताइए, अग्निवीर बना रहे हो, अरे एक बूढ़ा प्रधानमंत्री जो 75 साल का हो गया वो रिटायर होने का नाम नहीं लेता है, लेकिन इस देश के नौजवान को 22 साल में रिटायर कर देंगे। मतलब इससे बड़ा शर्म और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। मतलब क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी बदलनी चाहिए या बदलेगी, जनता किस मूड में नजर आ रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड हूँ, अब इस देश को सिर्फ क्रांति बचा सकती है। और हम बार बार लगातार मीडिया के माध्यम से यही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से कालांतर में जेपी जैसे आंदोलन जब तक अब इस देश में नहीं खड़े होंगे, जब तक इस देश में क्रांतिकारी आंदोलन नहीं खड़े होंगे, तब तक नरेंद्र मोदी और भाजपा ऐसे ही चुनकर आती रहेगी। अब ये जनता को चुनना पड़ेगा कि मैं कहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को मिटाने वाले चोरों से। मेरी बहन, आप समझिए, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में गुलामों, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह, हजारों बादशाह हुए। इतिहास में इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाला एक ही बादशाह हुआ, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उनका संविधान आज खतरे में है, आज उनकी विचारधारा खतरे में है। आज जिस तरीके से संविधान की सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहब के कारवां को, जो उन्होंने सामाजिक न्याय का कारवां अपना खून पसीना बहाकर यहां तक लाया, बराबरी तक लाई, आज वो बराबरी इक्वालिटी खतरे में है। इसलिए इस देश के तमाम दबे कुचले वंचित शोषित गरीब किसान मजदूर से मैं आग्रह करूँगा कि अब समय आ गया है, अपने घरों से निकलिए, इस जमहूरियत को, इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। क्योंकि अब अगर इस बार आप नहीं बाहर निकले और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़े, तो फिर ये देश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो सीधे तौर पर इन्होंने बोल दिया है कि अगर दोबारा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में अगर मोदी आते हैं तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और दोबारा जो है देश का जिस तरीके से विकास की जगह विनाश के रास्ते पर जा रहा है वो आप देख ही चुके 10 साल में किस तरीके से। अगर जो भी कोई मोदी के विरोध में बोलता है, या तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, या EDCBI भेज दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूर जहाँ, जनेतवा।